गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज भी बिस्तर से ही, जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि यार आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं 6 बजे उठ चुका हूँ, 6 बजे। और मेरी इतनी भयंकर तबीयत ख़राब है कि मेरी मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है, मतलब बिस्तर से जाने का, क्योंकि मैं डेली डेली 11-12 बजे उठ रहा हूँ आजकल, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो यार मैं बता दूँ 6 बजे क्यों उठा हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है और मैं, मतलब जिसे पता नहीं है, मैं बीए कर रहा हूँ और मेरा पहला एग्ज़ाम है कॉलेज का। तो इसलिए मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ भाई कि कैसे देते हैं कुछ पता नहीं है, मतलब तो भाई डर लग रहा है। तो जल्दी से रेडी होते हैं, चलते हैं, एक दोस्त को भी पिक करना है, शीतल को, तो उसे पिक करते हैं और फटाफट कॉलेज निकलते हैं, क्योंकि 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट है। अगर लेट हो गए तो क्या पता बाहर ना कर दे। सो गाइस, रेडी हो चुका हूँ मैं मस्त जाने के लिए। भाई बहुत डर सा लग रहा है, पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ ना कॉलेज का, बट कोई नहीं, हो जाएगा। इंटरनल ही है, एक्सटर्नल में ज़्यादा डर है। तो भाई जल्दी चलते हैं, टाइम नहीं है, क्योंकि 8 बजे हैं यहीं पर, 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट है, दोस्त को भी पिक करना है, फटाफट चलते हैं। मैंने नाश्ता भी कर लिया है, जल्दी शूज़ शूज़ पहनते हैं, स्कूटी उठाते हैं, चलते हैं आपको सीधा दोस्त के घर में मिलते हैं। बाय बाय। तो भाई शीतल के घर आ चुके हैं, हम जा रहे हैं फटाफट कॉलेज। टाइम बताइए कितना हो गया? टाइम और पेपर कितने बजे से? 9 बजे चले फिर कॉलेज। तूने पता मुझे क्या बोला कि तू 8 बजे आएगा और तू आ रहा? अब मैं लेट हो गया यार, क्या कर सकते हैं, खाना भी तो खाना था। तो भाई 5 मिनट रह गए और हम पहुंच गए थे, 5 मिनट रह रहे हैं। तो भाई कैसा लग रहा है तेरा पहला एग्जाम है कॉलेज का? बस ऐसा लग रहा है कि मैं मौत से मौत को छू के टक से वापस आ गया। अबे अभी तो दिया ही नहीं है, कैसे वापस आई? अच्छा तेरे साथ मेरे साथ भाई चल रहे जल्दी। हेलो कर दो सब मेरे व्लॉग को, फेमस हो जाओगे तुम। अब क्या करोगे? हाथ मेरे सुनने पूरे लाल हो रहे हैं, पता नहीं एग्ज़ाम कैसे दूंगा मैं, जा रहा हूँ अभी एग्ज़ाम देने। भाई बच्चे ऐसे परेशान हो रखे ना। चलो भाई एग्ज़ाम देने के बाद मिलते हैं फटाफट, 1 घंटे का है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। एक्साइटमेंट देखो मेरी ना, भयंकर, पहली बार एग्ज़ाम देने का, भाई खुशी भी है डर भी है भयंकर। तो भाई यहाँ हमें अपनी स्कूल फ्रेंड मिल चुकी है शिवांगी, इसका भी एग्ज़ाम था। तो भाई कैसा गया एग्ज़ाम? जोर से बोल थोड़ा। क्या बोले, जोर से। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा, सब तो फोन से देखा लेकिन मेरा भी बहुत बढ़िया गया। मैंने देखा फोन से, इसने देखा। अच्छा, दोनों तो देख रहे थे। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ गाइस, वो मुझे पता है, सिर्फ किसी को नहीं पता। भाई यहाँ भीड़ देखो, जानवरों की तरह बच्चे। यहाँ बहुत जोकर इंसान, इस कॉलेज का सबसे बड़ा जोकर। भाई हेलो कर दो मेरे व्लॉग को, हेलो करो। गाइस देखो, सुनो सुनो सुनो, फर्रे देखो इनके फर्रे, सुनो सुनो सुनो। ओ भाई साहब रचना, ये क्या कर दिया पेपर में भाई, ऐसा टैलेंट सिर्फ रचना के अंदर। वर्चुअलिटी लाओ गाइस, सीधा फोन लेके जाओ। मैं फोन लेके बैठा था, फोन ही आ रहा था, मिल रहा था। अरे ये है कनिका, पेपर के नाम पे कल क्या भेज रहे, टॉपिक कहाँ से करेंगे? क्या टॉपिक ही तो भेजना था, टॉपिक अच्छा बीकॉम के लिए क्वेश्चन भेजो। इनके साथ बहुत बुरा हुआ गाइस, क्वेश्चन नहीं भेजे, सिर्फ टॉपिक भेजे। ये पढ़े नहीं भाई, ये हमारे तन्नू भाई। नानू भैया काम आएंगे, ये है शीतल के होने वाले हस्बैंड। मैच भी हो रहा है तुम दोनों बेटे, अच्छे लग रहे हो। ये देखो नाम भी पूछ रहे हैं, नाम बताओ उसका। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये मेरे स्कूल फ्रेंड, देखो तुमने कैसा गया मेरे भाई पेपर? फुल मार्क्स। फुल मार्क्स पास हो जाएगा? पास का 30 मार्क्स। रिजल्ट देखते हैं भाई, क्या कह रहा है आज बैंक करिए देख रहा है भाई साहब, पूरी भीड़। और ये हमारी क्या बोलते हैं सेलिब्रिटी, कभी कभी कॉलेज आने वाली लड़की, उसने नया फ़ोन ले लिया iPhone 12, तो बधाई हो तुझे। पार्टी कब दे रही फिर? हाँ चल चाय पिला, मेरा प्यार आपके लिए काफ़ी नहीं है भाई। तो ये हाल कर दिया मेरा, ये हमारा है वाटरमेलन, वाटरमेलन। पेपर देने जा रखे अभी फिलहाल, सब खाली है वहाँ, अभी आएंगे दोबारा तो दोबारा भीड़ हो जाएगी। ये अपने सचिन भाई इधर,
अब बोल संतोष चोर है भाई, ये क्या चाहते हैं भाई? तो ये है ऋतिक भाई, संतोष को बुलाना, उसके बारे संतोष इधर आइयो। तू ये बोल रहा तेरे को चोर है तू? अबे ये खुद कह रहा है अभी, चोर बोल रहा तेरे को। ज़ूम करा जाए, ज़ूम करा जाए इस वीडियो को, बढ़िया बन रहा भाई। कॉलेज थोड़े पार के पास, बता मेरे को किसके पास जाना है, तू वीडियो बना। ये देखो बहन, वो प्रैंक वीडियो शूट करना है, बता। फिर पेपर खत्म हुआ, फिर भीड़ हो गई बैंक तेरी वाली। तू ले ले। अच्छा मेरे बाबू बोले पहले 500 के बहुत है। अरे तू हिम्मत यार, बात तक गिरा ही लगा। तुम बैग किस लिए? इसको भी लेके दे, फ्रेंड को भी लेके दे। बेटा हिमानी को दे, हिमानी नेहा फोटो खींच भाई मेरी इसके साथ। परसों मेरा बर्थडे है भाई, फोटो डालेगी। कोई बात नहीं भाई, तो हमारे के सीएस भी चाय पीने, संजय और मैं, देख सकते हो आप। कॉलेज के बाद यहीं आगे सीधा हमने सोचा चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी ठंड भी बहुत ज़्यादा आ रही, धूप भी नहीं है आज तो दिन भर। घर से झूठ बोल के आए कॉलेज से कि घर जा रहे, और यहाँ दोनों घूम रहे हैं मस्त अकेले अकेले। अभी व्लॉग में डालूंगा, झूठ बोल के आए कॉलेज से और यहाँ घूम रहे भाई, क्या बात है। तो पागल है क्या? पहले हम यहाँ पे आ रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी। अच्छा, तो फिर हम उधर चले गए। अच्छा तो भाई तुमको तो बोल देते हम आ जा रहे हैं यहाँ से, हम तो आ गए वही, तो हम तो ऐसे हम घर चले गए थे, मतलब मोड़ा ना हमने गाड़ी वहाँ से। चल चाय पीने, हां हमने चल चाय पी ली चाय, अब मैं ऑर्डर ही दे रखा है। रिएक्शन ज़ूम करके बना रही थी अब व्लॉग, कॉपीराइट ना लग जाना म्यूजिक वगैरह पीछे। कैसा लगा मेरे पैसों की चाय पीने के बाद? अरे भाई मेरे पैसों से पिया यार, स्कैनर दिखाऊं तू? मेरे पैसों की चाय पी के देखो कैसे बोल रहा है ये साला, इसकी फोटो खींचता हूँ। चलो चल रहे अब घर यहाँ से यार, बहुत थक चुके हैं, मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब है। वैसे भी मैं ज़्यादा बाहर नहीं घूम सकता, और मैंने कुछ खाया भी नहीं बाहर का, क्योंकि भूख लग रही है मेरे को, सब छोड़ दिया है मैंने बाहर का। इसी ने खाया जो खाया, मतलब वैसे तो हमने चाय पी और सैंडविच खाया, हमने एक दो चाय पी और एक सैंडविच खाया। सैंडविच के हमने चार पीस में दो दो डिवाइड करे, यही तो प्यार है हम दोनों का, ज़्यादा ही लड़कियों के साथ है वो भी। अबे वो तो वहाँ मिले ना, धोखा दे के आया हमें कॉलेज से भाई, वो सही में भाई जितना झूठ बोल के आए मैं। अब ये व्लॉग में डालूंगा, वो देखेंगे ना जब तब मजा जरूर भाई। तो बात बताना चाहूंगा मैं, अगर कोई ट्रैक पे जाना चाहता है तो हमारे ट्रैक लीडर मिस्टर संजय रावत जी से कॉन्टेक्ट करिए, और ये आपको बहुत सारे ट्रैक्स भी करवाएंगे अपने साथ, और तुम्हें भी मौका मिलेगा संजय रावत जी के साथ ट्रैक करने का। तो करना होगा किसी को, तो कॉन्टेक्ट करना इनको, मैं इनका नंबर डाल दूंगा। सच में डाल दूँ? हाँ भाई, तो ठीक है, मेरे को डीएम कर देना, मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा पर्सनली। देहरादून का फेमस पॉइंट जहाँ सबकी फ़ोटो होती है, मैंने ज़्यादातर सबकी फ़ोटो यहीं देखी, देहरादून लव। देहरादून काफ़ी सुधर गया भाई अब ना, मतलब पहले से ज़्यादा अभी बने ही नहीं भाई, इंदौर जैसे बनेगा अब, इंदौर जैसे। 22 बार उत्तराखंड को पहला अवार्ड मिला है, मतलब पूरे इंडिया में उसके लिए, स्वच्छता के लिए, मम्मी कसम। सच में अबे मिला है परसों, सच में सुनील उनियाल गामा गए थे, पहला अवार्ड मिला भाई फर्स्ट। अभी ये कहाँ गई? 0.5 भाई, तो राम मंदिर के लिए सजा रखा पूरा पल्टन बाजार में। ये लो गाइस देखो राम मंदिर, 22 जनवरी को मजा आएगा। ये देखो गाइस भाई, मस्त लग रहा है यार पल्टन बाजार, मस्त लग रहा है पल्टन बाजार। ये देखो गाइस, और ये हमारे साथ दो दोस्त हमारे पीछे से आ रहे हैं।
लेकिन बाजार क्या मस्त सजा हुआ राम मंदिर के लिए, उसके लिए ना, मतलब 22 जनवरी के लिए जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन, तो यहाँ भी मस्त फंक्शन होगा, मतलब हर जगह ही होगा पूरे देश में। भाई तू संजय बहुत एक्साइटेड है क्या राम मंदिर के? आप भी अपने घर में दिए जलाना उस दिन, पटाखे वटाखे फोड़ना और मतलब उसी मनाना बहुत ज़्यादा यार, बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब इतने सालों बाद राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, भयंकर बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको पूरे हिंदुस्तानी में। तो भाई घर आ गए हम, मस्त पेपर दे के अपना और घूम फिर भी लिया थोड़ा बहुत, और भाई पलटन बाजार गए थे, वहाँ मस्त सजा हुआ राम मंदिर के उससे। तो भाई 22 जनवरी की सब अपने घर में दिए जलाएं और मस्त सेलिब्रेट करना, मतलब बहुत बड़ी बात है यार, बहुत खुशी की बात है। पहले भी बोल चुका हूँ मैं, तो वैसे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब कर ही लेंगे। तो यार मैं बहुत थक चुका हूँ, नींद आ रही है, अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नए व्लॉग में और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।